नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टैम्सुलोसिन 0.4 mg और ड्यूटास्टेराइड 0.5 mg होता है। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल का उपयोग पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH भी कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब को थोड़ी देर भी न रोक पाना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब टपकना आदि लक्षण पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ने की वजह से पेशाब का आना पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी पुरुषों का सेक्स के लिए तैयार न हो पाना। इसके अलावा सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है और सेक्स के दौरान सीमन निकलने की मात्रा भी कम हो सकती है। इसके अलावा फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल की वजह से चक्कर भी आ सकते हैं। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल की वजह से पुरुषों में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को लेते समय ब्रेस्ट में सूजन, दर्द या निप्पल से डिस्चार्ज होता है तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर से सलाह लेकर फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ज्यादातर व्यक्तियों में अस्थायी होते हैं और फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को लेना बंद करने के बाद अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये साइड इफेक्ट्स फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल के बंद होने के बाद भी रह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को खाना खाने के 30 मिनट बाद लेना रिकमेंडेड होता है। फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को हर रोज सेम टाइम पर लेना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए महिलाओं को फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को ले रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल को बंद करने के बाद 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे टैम्सुलोसिन या ड्यूटास्टेराइड आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।